नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सहरसा से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं, सहरसा में निगरानी विभाग ने एक राजस्व कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार झा 15,000 रुपए की घूस ले रहे थे, जिन्हें अब विजिलेंस की टीम यानी निगरानी विभाग ने उन्हें धर दबोचा है। सहरसा के कलेक्ट्रेट ऑफिस से धर दबोचा है। आपको दिखाते हैं विजुअल्स किस प्रकार यह संतोष कुमार को पकड़ा गया है। डायरेक्ट जो विजुअल है ये सहरसा से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ एक राजस्व विभाग के कर्मचारी को निगरानी विभाग ने रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा है। अरे अंकरा फोटो ले वाला फोटो ले ला, बाद में वीडियो बना लो। परिवादी है मोहम्मद इशराफ सिंह, रोहा मणि के रहने वाले हैं। इन्होंने 23/12/2022 को इन्होंने अपना एक परिवाद दिया था निगरानी में कि इनके जो दाखिल खारिज के में घूस की मांग की जा रही है। इसके सत्यापन कराया गया, सत्यापन में सही बात पाया गया और आज उनको 15,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। किस जगह से गिरफ्तार किया गया? उनको कलेक्ट्रेट ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त जो है वो संतोष कुमार झा है, राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय कहरा सहरसा। और किसी की शिकायत भी मिली है क्या सर? ऐसा कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ सर? अरुणोदय पांडे, DSP विजिलेंस, धावादल प्रभारी हमारे साथ में है। आदित्य राज जी, 11 सदस्यों की टीम है जिसमे जो है सत्येंद्र जी, मुरारी प्रसाद, ईश्वर प्रसाद, एसआई में दिवाकर जी हैं और बाकी मेरे स्टाफ लोग हैं। परिवादी हैं मोहम्मद इशराफ सिंह, रोहा मणि के रहने वाले हैं। इन्होंने 23/12/2022 को इन्होंने अपना एक परिवाद दिया था निगरानी में कि इनके जो दाखिल खारिज के में घूस की मांग की जा रही है। इसके सत्यापन कराया गया, सत्यापन में सही बात पाया गया और आज उनको 15,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। किस जगह से गिरफ्तार किया गया? उनको कलेक्ट्रेट ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त जो है वो संतोष कुमार झा है, राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय कहरा सहरसा। और किसी की शिकायत भी मिली है क्या सर? ऐसा कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ सर? अरुणोदय पांडे, DSP विजिलेंस, धावादल प्रभारी हमारे साथ में है। आदित्य राज जी, 11 सदस्यों की टीम है जिसमे इंस्पेक्टर जो है सत्येंद्र जी, मुरारी प्रसाद, ईश्वर प्रसाद, एसआई में दिवाकर जी हैं और बाकी मेरे स्टाफ लोग हैं। सहरसा में निगरानी विभाग यानी विजिलेंस की टीम ने राजस्व कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। निगरानी विभाग की टीम द्वारा अचानक की गई छापेमारी में विभाग में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बता दें कि 15,000 घूस लेते सहरसा कलेक्ट्रेट से इनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्त में आए अभियुक्त राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार झा है, जो कहरा अंचल कार्यालय में नियुक्त है। विजिलेंस विभाग के DSP अरुणोदय पांडे ने बताया कि परिवादी है मोहम्मद इजराइल के द्वारा उन्हें शिकायत निगरानी में दी गई थी कि उनके दाखिल खारिज के एवज में घूस की मांग की जा रही है। इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में यह बात सामने आई कि जिसके बाद आज की गई छापेमारी में 15,000 के साथ राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। साथ ही आपको बताया विजिलेंस विभाग के जो DSP है अरुणोदय पांडे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। तो सुना आपने, ये पूरा मामला सहरसा का है जहां दाखिल खारिज के एवज में राजस्व विभाग के कर्मचारी जहां राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार झा ने मोहम्मद इजराइल से आपको बताया दाखिल खारिज के एवज में 15,000 रुपए के घूस के उन्होंने मांग की थी और जिसके बाद निगरानी विभाग यानी इसके बाद निगरानी विभाग ने छापेमारी की और छापेमारी के बाद ये जो कर्मचारी हैं संतोष कुमार झा, उन्हें 15,000 रुपए के साथ रंगे हाथों धर दबोचा गया है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।